नमस्कार। और आज माफ़ी चाहूँगा कि आज ISL की बात मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उड़ीसा के लिए। तो वर्ल्ड कप का जो आखिरी मैच है, इंडिया वर्सेस ब्राज़ील, उस मैच को देखने मैं जा रहा हूँ उड़ीसा। तो थोड़ा सा अभी जो है ISL के मैचेस शायद कवर ना कर पाऊँ, तो उसके बाद फिर हम बेझिझक एकदम ISL की बातें करेंगे और वॉच अलॉन्ग भी चालू करेंगे, ठीक है? तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाइब्रिड फुटबॉल पिच के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में हाइब्रिड पिच वाला फुटबॉल ग्राउंड एक भी नहीं था, इस साल पहली बार गोवा का जो फातोड़े स्टेडियम है उस ग्राउंड को हाइब्रिड फुटबॉल पिच पूरी तरह से बनाया गया है। और पूरा खर्चा फीफा ने दिया है और इसकी लागत लगभग 4 करोड़ के आसपास आई है। अब आप में से कई प्लेयर्स या फैंस के दिमाग में बात आती होगी कि हाइब्रिड पिच ये क्या चीज है, क्योंकि आपने अक्सर नेचुरल फील्ड देखी है, आर्टिफिशियल पिच देखी है, खेला भी होगा, लेकिन हाइब्रिड फुटबॉल पिच क्या है? ये एक नई चीज है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक तरह से आप इसको देख सकते हैं कि फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में अगर फुटबॉल के ग्राउंड कैसे होंगे, तो हो सकता है कि सभी फुटबॉल के ग्राउंड, मतलब जो बड़े लेवल के होते हैं, वो हाइब्रिड फुटबॉल पिच ही रहेंगे। तो ये एक तरह से आप इवोल्यूशन समझ सकते हैं कि फील्ड का इवोल्यूशन। देखिए, सबसे पहले हम लोग ग्रास पे खेला करते थे, वही कीचड़ वगैरह एकदम, है ना, बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो। फिर उसके बाद जो बड़े बड़े जो वैज्ञानिक लोगों थे, उन्होंने भी आर्टिफिशियल ग्रास लेके आया कि भाई अब जो है कीचड़ वगैरह नहीं होगा, आप आर्टिफिशियल सरफेस पे, है ना, खेल सकते हैं, और इससे आपकी जो ट्रेनिंग वगैरह है, मैचेस वगैरह, रुकेंगे नहीं। अब लेकिन नया एडवांस और टेक्नोलॉजी ला ली कि भैया हाइब्रिड कर दिया कि अब और एक अलग लेवल पे चले गए, एक नया अपग्रेड मिल गया। तो हम जानेंगे कि एक्चुअल में हाइब्रिड पिच होती क्या है। तो हाइब्रिड पिच जो है ये 95% नेचुरल ग्रास होती है और 5% उसमें आर्टिफिशियल ग्रास जो है वो मिक्स होती है। अब आपके दिमाग में आएगा कि 5% ही आर्टिफिशियल ग्रास उसमें है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो 5% जो है वो बहुत फर्क डालती है, क्योंकि वो पूरे ग्राउंड की जो क्वालिटी है उसको ही डिफरेंट कर देती है। इसमें क्या होता है कि पूरे ग्राउंड में ग्रास के बीच बीच में आर्टिफिशियल ग्रास को कनेक्ट किया जाता है, और जिससे होता है कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप आर्टिफिशियल सरफेस पे या किसी अन्य सरफेस पे खेल रहे हैं, ऐसा लगेगा आप एकदम नेचुरल ग्रास पे फुटबॉल खेल रहे हैं, लेट रहे हैं, मतलब एक्चुअल रियल जो होता है ग्रास वाली फीलिंग वो ही आती है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आप प्रीमियर लीग देखते होंगे तो प्रीमियर लीग के सारे ग्राउंड हाइब्रिड फुटबॉल पिच है, तो आप देख ही सकते हैं उनकी क्वालिटी क्या मस्त दिखती है ना। तो खेलते भी है, उसके बाद भी ग्राउंड जैसा कि वैसा ही होता है, कोई उसमें, है ना, गंदगी नहीं दिखती है या उबड़ खाबड़ नहीं दिखती, वैसा कि वैसे दिखता है। तो वो हाइब्रिड पिच है, इसके कारण ऐसा लगता है। और अभी जो 2022 का कतर वर्ल्ड कप होने वाला है, उसमें भी हाइब्रिड फुटबॉल पिच का यूज किया जा रहा है। तो अब ऐसा समझ लीजिए कि इसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा फ्यूचर में, तो अब हमको भी उसके रूप में ढलना पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कि हाइब्रिड फुटबॉल पिच में और अन्य जो होती है पिचेस, उसमें फर्क क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि ग्रास वाली पिच जिस पे हम नॉर्मली खेलते हैं, उसमें आपने देखा ही है कि, है ना, बारिश वारिश गिर जाए तो फिसलन बढ़ जाती है, इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं ना, और खेलने का जो मजा है वो भी थोड़ा सा बेकार हो जाता है, क्योंकि फिसलते ज्यादा है प्लेयर्स, बॉल कंट्रोल थोड़ा सा कम हो जाता है। तो जो नेचुरल ग्रास वाला फील्ड होता है उसमें ये दिक्कत होती है। फिर उसका जो आर्टिफिशियल ग्रास होती है उसमें दिक्कत ये होती है कि वो बहुत हार्ड सरफेस होता है, तो नी में, एंकल में थोड़ा सा पेन वगैरह की दिक्कत हो सकती है, या मसल सोरनेस की जो प्रॉब्लम आती है वो हो सकती है, और प्लेयर्स में होती भी है, क्योंकि अगर आपने खेला भी होगा तो आपको बिल्कुल अंदाजा होगा कि हार्ड सर्फेस बहुत ज्यादा होता है आर्टिफिशियल पिच वाला। अब जो हाइब्रिड होता है ये, इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि बीच का है, मतलब इसमें ग्रास वाला सर्फेस और अपना जो आर्टिफिशियल वाला है वो दोनों का मिक्स है बीच का। तो इसमें ऐसा होता है कि आप कितनी बारिश ला दो या हार्ड सरफेस भी नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल होता है, तो इसमें जो है इंजरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। इस पर आप ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेल सकते हैं, जैसे कि एक मैच खत्म हुआ उसके बाद दूसरा कंटिन्यू कर लिया, उसके बाद तीसरा कंटिन्यू कर लिया, तो वो जो प्रॉब्लम है ग्राउंड की पिच खराब होने की, वो कहीं ना कहीं सीधी तरह से खत्म हो जाती है। और इसका जो मेंटेनेंस होता है वो बिल्कुल जो अपना ग्रास वाला मेंटेनेंस कैसे करते हैं अपन ग्रास की फील्ड का, सेम टू सेम वैसे ही होता है, क्योंकि आपको पता है कि 95% तो उसमें नेचुरल ग्रास ही लगी हुई है ना, तो मेंटेनेंस उसका वैसा ही है। और इस पिच को लगाने के बाद, जैसे जो भी कंपनी इस पिच को लगाती है, ऑफिशियली 8 साल की वारंटी देती है कि 8 साल तक आपकी पिच जो है वो ऐसी की वैसी रहेगी। बस आपको करना ही होगा कि आपने पूरा सीजन खेला, जैसे मान लिया ISL का सीजन खेला, आई लीग का सीजन खेला, उसके बाद सीजन खत्म होने के बाद एक बार उस ग्राउंड को पूरा क्लीन कर दो और फिर से वो रेडी हो जाएगी अगले सीजन के लिए। अब बात आते हैं कि हाइब्रिड पिच इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले तो आपको बताऊंगा हाइब्रिड पिच का इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि नॉर्मल पिचेस पे इंजरी जो होती है वो उसके चांसेस है, सेफ्टी के जो होता है ना, सेफ्टी चाहिए होती है प्लेयर्स को कि इंजर्ड ना हो, ये सब चीजें हो, ग्राउंड की पिच अच्छी रहती है तो गेम प्ले भी अच्छा होता है। तो ये सब चीजों को नजर में रखते हुए, मतलब कि ऐसा सोचा जा रहा है कि भी हाइब्रिड पिच का यूज ज्यादा से ज्यादा किया जाए, और मोस्टली बड़े से बड़े यूरोपियन क्लब भी देखेंगे सब हाइब्रिड पिच यूज कर रहे हैं, अब तो वर्ल्ड कप में भी आ गए, तो आप समझ लीजिए कि हर जगह वो यूज होना ही है।
तो अभी हमको भी बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, एक तो फीफा ने स्पॉन्सर्ड कर दिया कि 4 करोड़ रुपए का लागत का। अब देखिए इसमें बजट ज्यादा है, अगर AFF खुद से बनाएगा तो काफी बजट है। आप सोचिए कि 11 ISL के क्लब है, तो 11 ISL के क्लब्स में अगर 4-4 करोड़ की फील्ड बनाई जाएगी तो बजट बहुत ज्यादा लगेगा। तो लगेगा लेकिन उसका फायदा भी है, और क्योंकि आप देखिए ना कि लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास अच्छे ग्राउंड्स हो जाएंगे। क्योंकि आप देखिए जब बाहर की टीम्स आती है तो वो यही बोलते रहती है कि हमारे यहाँ तो ग्राउंड नहीं है, अच्छे पिच बेकार है। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको भी थोड़ा सा इज्जत की बात भी है ना। अभी आप देखिए जो गोवा का स्टेडियम है, अभी आप वर्ल्ड कप अगर आप देख रहे होंगे तो वो पिच कितनी अच्छी लग रही है, वो थोड़ी सी अब ऐसा लग रहा है कि हाँ अच्छा फील्ड है। तो वैसे ही हमारे सारे ग्राउंड हो सकते हैं, बस वही एक इन्वेस्टमेंट की बात है। तो हो सकता है कि अभी नहीं लेकिन धीरे धीरे जरूर जो AFF इसके बारे में सोचेगा कि भाई अब है ना फ्यूचर के हिसाब से देखना पड़ेगा और समय के साथ साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप क्या सोचते हैं कि हमको हाइब्रिड पिच यूज करना चाहिए? देखिए मुझे तो बिल्कुल लगता है हमको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब हर जगह हाइब्रिड पिच बना दो भैया, इतना बजट तो नहीं रहेगा, लेकिन जहां जहां बनाई जा सकती है जैसे प्रोफेशनल लेवल की लीग्स जो हो रही है उसमें हाइब्रिड पिच का यूज होना चाहिए। तो अच्छी बात है, हमको ग्राउंड की पिच भी अच्छी लगेगी और प्लेयर्स को भी मजा आएगा खेलने का। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि हाइब्रिड पिच जो रहेगी वो हमारे लिए बेटर हो सकती है। बाकी आपकी जो भी ओपिनियन है आप जरूर बताइए, और कुछ अगर आप आपके आइडिया शेयर करना चाहें कि हमारे यहाँ पे स्टेडियम की प्रॉब्लम है, काफी प्रॉब्लम है, तो उस चीज को कैसे हम जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड भी आपके पास कुछ आइडियाज होंगे, पिच से रिलेटेड आइडियाज होंगे, तो वो आप जरूर लिख के बताइए। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।